तो जाने भारत के T-90 भीष्म टैंक से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। T-90 भीष्म टैंक 2004 में इंडियन आर्मी में शामिल किए गए। इसे चलाने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसका वेट है 46.5 टन। इसमें V84MS डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि 840 HP की पावर उत्पन्न करता है। इसकी मैक्सिमम रोड स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ऑपरेशनल रेंज है 550 किलोमीटर। इसकी मेन गन 43 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसमें 125 mm के गोले लगे हुए होते हैं। इसमें 2 मशीन गन लगी हुई होती है। पहली 7.62 mm के गोली वाली जो कि 2000 राउंड फायरिंग कर सकती है और दूसरी 12.7 mm की गोलियों वाली जो कि 300 राउंड फायरिंग कर सकती है। T-90 भीष्म टैंक की फुल वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें।